बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी की डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की रिवीजन करने वाले हैं। अब ये डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज के अंदर, एससीक्यू के अंदर और वाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है जो उस डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काउंसन मैन बॉडीज हेपेटाइटस येलो फीवर में देखने को मिलती है। गैमा गैंडी बॉडी कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली में होती है। रेबीज़ के अंदर नेग्री बॉडीज़ होती है। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर लेवी बॉडीज़ होती है। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर हिरोनो बॉडीज़ होती है। एस्बेस्टोसिस के अंदर फेरुजिनस बॉडीज़ होती है। सार्कोइडोसिस के अंदर एस्टीरॉयड बॉडी और शोमार बॉडी होती है। वेरोके बॉडी या एंटोनी बी कॉम्प्लेक्स, ए बी कॉम्प्लेक्स श्वानोमा में होते हैं। कार्ल एक्सनार बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है, जबकि यॉर्क सैक ट्यूमर में या एंड्रोडर्मल साइनस ट्यूमर के अंदर शेलर ड्यूवल बॉडीज होती है। रूमेटिक फीवर के अंदर एशोफ बॉडी होती है और वहाँ पर आपने अनिश्कु सेल भी पढ़ने हैं। लाइकन प्लेनस के अंदर काइबेट बॉडी होती है। एस्थमा के अंदर क्रियोला बॉडी, कर्शमैन स्पाइरल, चारकोल लीडन क्रिस्टल्स होती है। लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम में डिनोवन बॉडीज होती है। मुलस्कम कॉन्टाजियोजम, इसमें हेंडरसन पैटरसन बॉडीज होती है। मलेकोप्लेकिया में माइकलिस गटमैन बॉडीज होती है। पिक डिजीज़ के अंदर पिक बॉडी, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी यानी ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, इसमें ज़ेब्रा बॉडीज़ होती है। फीमेल के अंदर इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम की वजह से बार बॉडी होती है। कैमिनो बॉडी मेलिग्नेंट मेलानोमा में होती है। लेफोरा बॉडी एपिलेप्सी में होती है। अब आ जाते हैं हम हीमाटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डी हाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाले में देखने को मिलती है और वहाँ पे बाइट सेल्स भी देते होते हैं। होवल जाली बॉडी इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस या पोस्ट सप्लीनेक्टेमी में होती है। पेपेनहीमर बॉडी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। नेग्री बॉडी साइटोप्लाज्म में होती है तो या रेबीज में होती है। गोंडर पॉक्स में होती है। एशोफ बॉडी रूमेटिक हार्ट डिजीज में होती है। हर्थली सेल हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में होती है। हंटर सेल भी हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में होते हैं। विरोके कॉम्प्लेक्स या आपको मैंने पीछे बताया था एंटोनी वाला, ये श्वानोमा में होता है। शिलो डबल बॉडी यॉर्क सैक में होती है। रस्सर एंड टूचर बॉडी, ये दोनों लिम्फोप्लाज्मा सिटिक लिम्फोमा में देखने को मिलती है। लूज बॉडी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। कार्ल एक्सनार बॉडी रिपीट हो रहा है ग्रैनुलोसा के अंदर होती है। सेमोमा बॉडी मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, सिस्ट एडिनोमा, मेनेंजियोमा में देखने को मिलती है। काउंसलमैन बॉडी हेपेटाइटिस येलो फीवर वायरस है। ज़ेब्रा बॉडी नीमैन पिक डिजीज़ के अंदर होती है। एलडी बॉडी सब्सटेंशियल आइरा के अंदर देखने को मिलती है पार्किंसन वाले में। डाउनी टाइप या एप्सटीन बार वायरस में देखने को मिलता है। काउ ड्राई हर्पी सिंप्लेक्स और मीजल्स में होती है। आउलाई इंक्लूजन बॉडी साइटोमेगैलो वायरस में होती है। मिलोरी टंग बॉडीज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती है। ओनियन स्किन अपेरेंस हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोसक्लेरोसिस एविंग सार्कोमा में देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में भी होती है। कोबल स्टोन या स्ट्रिंग साइन क्रोन डिजीज में होता है। होब नेल अपेरेंस अल्कोहलिक सिरोसिस में होती है। बीडिड अपेरेंस प्राइमरी सक्लोराइजिंग कोलनजाइटिस में होता है। कैनन बाल अपेरेंस मेटास्टैटिक कैंसर में देखने को मिलता है। ओके, ये कैनन बाल आपको लंग्स में भी देखने को मिलता है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियासिस में होती है। स्विस चीज अपेरेंस मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में होती है। पिंक पफर ब्लू ब्लॉटर दोनों सीओपीडी है। पिंक पफर में साइनोसिस नहीं होता है एम्फाइसीमा में, ब्लू ब्लॉटर में साइनोसिस होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो बबल अपेयरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर में होता है। रोजेंथल फाइबर्स पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में होती है। समर सेल क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में होती है। मॉट सेल या फ्लेम सेल मल्टीपल माइलोमा में होती है। स्टेरिस्काई अपेयरेंस एएमएल और बर्कली लिम्फोमा में होता है। ट्रैम ट्रैक एमपी से रट्टा मार लो, एमपीटी ओके या पीटीएम से रट्टा मार लो तो क्या होगा। मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में होता है। ब्लू डॉम सिस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में होता है जिसको लंपी बम्पी ब्रेस्ट कहते हैं। कोडमैन ट्रायंगल ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। सिग्नेट रिंग सेल दो में होते हैं। गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा ओके डिफ्यूज वाला ओलोबार कार्सिनोमा इन साइटू। ग्रेप लाइक लिगेंड रेब्डोमायोसार्कोमा प्यूडाई ऑरेंज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। कलर्ड हैलो अराउंड न्यूक्लियस पेजेड डिजीज ऑफ निपल में देखने को मिलती है। हनीकॉम अपेयरेंस ब्रोंकियाक्टिसिस में होती है। थायरॉयडाइजेशन क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर होती है। रेनके क्रिस्टल लेटेक्स सेल ट्यूमर में होती है। अगर आपको हेयर देखने को मिले, हेयर ऑन एंड क्रियोकट अपेयरेंस तो थैलासीमिया है। पीस मील नेक्रोसिस क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में होता है। पैनकोस ट्यूमर एपिकल ट्यूमर होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम में। ऑस्लर नॉट्स स्प्लिंटर हेमरेज
जेनविलियन जोन्स को रट्टा मार लो, ओके इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में देखने को मिलता है, जेल बैलन फियोक्रोमासाइटोमा है, क्रूक हाइलिन चेन कुशिंग सिंड्रोम में होती है, क्रोकी कटर स्पेस नॉन कोमिडो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो में होती है, ग्लू स्निफर हार्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। जोन्स क्राइटेरिया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पोलीआर्थराइटिस होता है, पैनकार्डाइटिस होता है, GONG से जॉइंट्स प्रॉब्लम, ओके ओ से हार्ट आ जाएगा जिसमें कार्डाइटस होता है, पैनकार्डाइटस, एन से नोड्यूल्स होती है, ई फॉर इरिथेमा मार्जिनेटम और एस फॉर सिंड्रियम कोरिया, ओके। ड्यू क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटस के लिए होता है, जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए था, जोन्स क्राइटेरिया होता है किसके लिए, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए, रूमेटिक फीवर के लिए, रोकिटेंसी अशोफ साइनस क्रॉनिक कोलीसिस्टाइटिस में होता है, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया, विलस की एट्रोफी है और इंट्रापीथिलियल लिम्फोसाइटोसिस ऐसे लिए एक डिजीज़ है, ज़ेब्रा बॉडी नीमैनपिक डिजीज़ में होती है, होवल जेली बॉडी हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस है, मैसन बॉडी क्रिप्टोजेनिक निमोनिया में होती है, कॉटन कैंडी एक्सुडेट न्यूमोसिस्टस निमोनिया में होती है, माइकलिस गटमैन मेलेकोप्लेकिया में होता है, स्पाइनल इलेक्ट्रॉन बॉडीज अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा में देखने को मिलती है, मोलस्कम बॉडीज मोलस्कम कॉन्टेजियोसम है, पेरिफेरल पैलिसेडिंग बेसल सेल कार्सिनोमा, ओके। कैराटिन पल्स होते हैं हमारे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर, सुडो पैलिसेडिंग किस में होती है, GBM ग्लायब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, ओके। होल्स लाइक अपेरेंस मेनेंजियोमा के अंदर और इसके अलावा लियोमायोमा में भी होती है, सिग्नेट रिंग दोबारा आ गया, कैराटिन पल्स बता दिया है, वेरोकी बॉडी बता दिया है, कालेक्जला बॉडी बता दिया है, समामा बॉडी बता दिया है, कैप्सुलर या वैस्कुलर इनवेशन फॉलिकुलर कार्सिनोमा में होती है, अमाइलॉइड डेपोजिशन मेडुलरी में होती है, ऑस्टियोइड फॉर्मेशन ऑस्टियोसारकोमा, चिकन वायर कैल्सिफिकेशन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में देखने को मिलती है, चिलर डबल बॉडी यॉर्क्स एक्ट ट्यूमर है, इंडियन फाइल पैटर्न लोबुलर कार्सिनोमा, पीसमेल नेक्रोसिस क्रॉनिक एक्टिव, मेलोरी बॉडीज अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस में होती है, स्टीलेट सेल कार्डिक मिक्सोमा में होती है लेफ्ट एट्रियम में, ओड सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है, ट्यूबर में हेयर है तो उसका मतलब टेराटोमा है, रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होती है, साइटोकेराटिन ये ट्यूमर मार्कर है कार्सिनोमा का, वेमेंटिन सार्कोमा का है, S100 मेलानोमा का है, मेलानिन मैलिग्नेंट मेलानोमा का है, मसल में डेस्मिन आता है, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन या LCA लिम्फोमा में होगा, क्रोमोग्रेनिन न्यूरोएंडोक्राइन मार्कर है कार्सिनोइड का, 15-30 या रीड स्टर्नबर्ग सेल का है जो कि हॉजकिन लिम्फोमा में होती है, 19-20-79 या बी सेल लिम्फोमा में होती है, 2 से लेकर 8 तक टी सेल लिम्फोमा मार्कर है, ब्लूम रिचर्डसन ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है, ग्लीसन प्रोस्टेट के लिए होती है, ड्यूक वाली कोलोन के लिए होती है, TNM लंग्स के लिए होती है, फर्मैन रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए होती है, नोडल हेपेटाइटस सिरोसिस के लिए होती है, मेनेंजियोमा के लिए WHO है, एस्ट्रोसाइटोमा के लिए भी WHO है, स्टोमा कैंसर के लिए लॉरेन है, हॉजकिन के लिए NRBOR, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों के लिए NRBOR स्टेजिंग होती है। अब हम हाल मार्क फाइंडिंग पढ़ लेते हैं, अगर आपको एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिले इसका मतलब गिलन बारी सिंड्रोम है जिसमें CSF के अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है लेकिन सेल्स नहीं आते, यानी प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन सेल्स नहीं आ रही, दोनों डिसोसिएट हो गया है, वैसे सेल भी आने चाहिए थे। एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में देखने को मिलती है, ITP में देखने को मिलती है, एरेक्नोडिक्टाइली मार्फन सिंड्रोम है, रूमेटिक फीवर के अंदर अशोफ बॉडी है, एक्यूट प्रोमायलोसाइटिक ल्यूकेमिया AML टाइप M3 वाला उसमें और रॉड्स होते हैं, MPO के एग्रीगेट होते हैं, आउटर सप्लीनेक्टमी सिकल सेल एनीमिया में होती है, बबिंस्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, बिजोफेलिक स्टिपनिंग लट के अंदर होती है, बेन जॉन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा में होती है, फ्री लाइट चेन होती है, कैंपा या लंडा चेन होती है, इसके अलावा मैक्रोग्लोबिनीमिया में भी हो सकती है, बिरबैक क्रोनियल हिस्टोसाइटोसिस में होती है, ब्लू ब्लॉटर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, बोर्ड शेप हार्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलड है, बोचार्ट नोट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बोटिनर डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ब्राउन ट्यूमर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म को बोलती है, डाउन सिंड्रोम में ब्रश फोल्ड स्पॉट्स होते हैं, कॉलेक्सनल बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है, कार्डियोमेगैली है और एपिकल एट्रोफी है हार्ट की, तो ये शगास डिजीज है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहती है, चैनकर हमेशा प्राइमरी सिफिलिस में होती है, चैनकेराइड हीमोफिलिस ड्यूकराई की वजह से होती है, चारकोट ट्रायट मल्टीपल सक्लोरिसिस में होता है जिसमें निस्टैग्मस इसको सिन से रट्टा मार सकते हो, SIN स्कैनिंग स्पीच या स्लर्ड है, इंटेंशन ट्रेमर और निस्टैग्मस है, चारकोल लिडन क्रिस्टल क्रशमन स्पायरल अस्थमा में होती है, शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग सेरिब्रल लीजन्स के अंदर होती है, चॉकलेट सीज एंडोमेट्रियासिस के अंदर, चॉपस्टिक्स एंड हाइपरकैल्सीमिया में होगा, क्लू सेल गार्डनेला वजाइनालिस में होती है, कोल्ड वेंट ट्रायंगल ऑस्टियोसारकोमा में होता है, कोल्ड एग्लुटिनिन माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में होती है, कॉन्डाइलोमा अलाटा ये सेकेंडरी सिफिलिस में होता है, प्राइमरी के अंदर तो चैनकर होते हैं, कॉटन वूल स्पॉट हाइपरटेंशन डायबिटीज वाला, काउंसिल मैन बॉडी ये आपको उसमें देखने को मिलती है, हेपेटाइटिस के अंदर, येलो फीवर वायरस के अंदर, क्रिसेंट्स होते हैं तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है,
करंट जेली स्पुटम क्लेब्सिला की वजह से होता है। कर्शमैन स्पाइनल ब्रोम के अस्थमा डीप पिगमेंटेशन ऑफ सब्सटेंशन एग्रा पार्किंसन के अंदर होता है। डोनोवन बॉडी गैनलोमा इंग्वानिली में होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके बाद एक्टोपिया लेंटिस मार्फन के अंदर होती है। एरिथेमा क्रोनिका माइग्रेंस लाइम डिजीज में होता है। फैटी लीवर अल्कोहलिज्म में होता है। फिरोजिनस बॉडी एस्बेस्टोसिस में होती है। गॉन फोकस ट्यूबरक्लोसिस में होता है। गोवर मैनुअर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है। हेबरडन नॉट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। यील्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में होती है। आगे हेमरेजिक ओर्टिकेरिया हिनोच शेनलिन पुरपुरा में होता है। हिट्रोफिल एंटीबॉडी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होती है। हिरोना बॉडी अल्जाइमर में होती है। हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक है। जेरिश हर्ज़ीमर रिएक्शन सिफिलस में देखने को मिलता है, खासतौर पर अगर आपने पेनिसिलिन यूज़ कर लिया है। आगे कोस्मॉल ब्रीथिंग डायबिटिक कीटोसिडोसिस है। केराटिन पल्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। केस ऑफ फ्लेशरिंग विल्सन डिजीज में है। किमिल्सन विल्सन नोड्यूल डायबिटिक नेफ्रोपैथी में है। कोइलोसाइट HPV इन्फेक्टेड सेल होती है। कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स में होती है। लेवी बॉडी पार्किंसन में देखने को मिलती है। लाइंस ऑफ जान आर्टेरियल थ्रोम्बस में होता है। लिश नोड्यूल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, जिसको वोन रिक्लानोसन डिजीज कहते हैं। लंपी बम्पी इम्यूनोफ्लोरिसेंस ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुला ये आपको देखने को मिलते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुला नेफ्राइटिस। मैकबर्नी साइन अपेंडिसाइटिस होता है। मैकबर्नी पॉइंट 2/3 होता है फ्रॉम अम्बिलिकस टू द पोस्टीरियर सुपीरियर लाइन। माइकलिस गटमैन बॉडी मेलाकोप्लेकिया में होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की स्पाइक होती है एम प्रोटीन की, तो वो मल्टीपल माइलोमा में होती है। इसके अलावा मल्टीपल गुमास ऑफ अनएक्सप्लेन सिंड्रोम में भी हो सकती है। मिक्सोडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म है। नेग्री बॉडी रेबीस है। न्यूराटिक प्लाक और न्यूरोफिबुलरी टैंगल्स अल्जाइमर में देखने को मिलती है। नॉन पिटिकंडीमा मिक्सोडीमा एंथ्रेक्स टॉक्सिन में देखने को मिलता है। रिप्स की जो नॉचिंग होती है ये पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ आयोटा में होती है। नटमैग लीवर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में है। पेनस रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। पोट्रियर माइक्रोएब्सेस माइकोसिस फंजॉइड्स में होती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CMLALL में होता है। पिक बॉडी पिक डिजीज में है। पिंक पफर एम्फाइसीमा खासतौर पर सेंट्रियासिनार वाला, जो स्मोकिंग से होता है। पेनिसिलिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, इसके अलावा पोस्टीरियर एंटीरियर ड्राइविंग साइन हेमेंजियोमा में देखने को मिलता है। ओके, और एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की टेयरिंग की वजह से भी हो सकता है। सेमोमा बॉडी बता चुका हूँ। सूटो हाइपरट्रॉफी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है। पंच आउट बोन लीगन मल्टीपल माइलोमा में होती है। रैश पाम और सोल के ऊपर, तो यह सेकेंडरी सिफिलिस। इसके अलावा रैमसी हंट सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकते हैं। रेड मॉर्निंग यूरिन, तो पैरॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, रीट स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर, जबकि रीट इंडेक्स होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होते हैं। रेन की क्रिस्टल लेडिक सेल ट्यूमर होते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन मल्टीपल माइलोमा में होती है। S3 साउंड लेफ्ट टू राइट शंट में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल BST PDA। ओके, S4 पल्मोनरी स्टीनोसिस या हाइपरटेंशन है। शार्ट्समैन रिएक्शन इजरी या मेनिनजाइटिस की वजह से होता है। सिमियन क्रीस डाउन सिंड्रोम के अंदर होती है। सब बबल अपीयरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर की वजह से होती है। स्पाइक एंड डूम ग्लोमेरुलाई ये आपको देखने को मिलती है मेम्ब्रेनस के अंदर, इसको याद रख सकते हो MDS। ओके, स्ट्रिंग साइन क्रोन डिजीज को रट्टा मार लो, टारगेट सेल थैलेसीमिया में देखने को मिलती है। ओके, टेंडिनियस एंथोमा, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, थायरॉयडाइजेशन ऑफ किडनी, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, टोफाई गाउट, ट्रैम ट्रैक अपेनस, ये मैंने आपको बताया था PTM से रट्टा मार लेना, मेम्ब्रेना प्रोलीफेरेटिव वाला। ट्रोजियो साइन क्या होता है? ट्रोजियो साइन दो चीज़ें हैं, हाइपरकैल्सीमिया में भी होता है और विसरल कैंसर, खासतौर पर पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, जिसको माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ओके, विशु नोट्स सुप्राक्लेविकुलर नोट्स होते हैं, जो कि मेटास्टेटिक कैंसर से इफेक्ट होते हैं। ओके, WBC कास्ट माइलोनेफ्राइटिस में होती है। वाइल्ड लूप ग्लोमेरुलाई लूप नेफ्रोपैथी में होती है, सॉरी ल्यूपस में। EFP ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो स्पाइना बाइफिडा एनेंसेफली हो सकती है। डिक्रीज F/V / F/C, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, COPD है। खत्म।